दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो जानकारी कि YouTube में कोई नहीं देता है। अगर आप एक साधारण मोबाइल यूजर हो और आप जो है कोई भी कंपनी का मोबाइल यूज करते हो तो ये वीडियो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक देख लेना, क्योंकि ये जो वीडियो में मैं बताने वाला हूं ये आपका कभी ना कभी जरूर काम में आने वाला है। अगर नहीं देखते हो ना ये वीडियो तो भाई आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो मैं हमेशा हर एक दिन लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये है वीवो का Y21 और इसमें जो है कॉम्बो टूट गया है, आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले जो है टूट गया है। आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप में जाओगे तो वो ओरिजिनल या तो डुप्लीकेट डिस्प्ले तो लगा देगा, और ओरिजिनल या तो डुप्लीकेट में अगर पहचान नहीं पा रहे हो तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन आज ओरिजिनल और डुप्लीकेट वीडियो के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ओरिजिनल डिस्प्ले डुप्लीकेट डिस्प्ले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज बात करूंगा कि अगर आपका मोबाइल हाथ से गिर जाता है, ये तो आपने फेंक दिया या तो ऐसे गिर गया जैसे कि आपका मोबाइल बैंड हो गया। देखिए ये जो मोबाइल है बैंड है, आपको दिख रहा होगा ये जगह में बैंड है, और बैंड होने के बाद अगर आप इसमें कॉम्बो लगाते हो तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है। मतलब आपका जो डिस्प्ले पीडीए है ना, वो जितना पैसा देके आप लगाओगे वो टोटल बेकार हो जाएगा। किस लिए मैं बताता हूं दोस्तों, देखिए अगर आपका बॉडी बैंड हो चुका है, कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, अगर आपका बॉडी बैंड हो चुका है और आपने इसमें ओरिजिनल या तो डुप्लीकेट कोई भी डिस्प्ले लगा दिया तो पहला प्रॉब्लम आएगा आपका टच काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारा मोबाइल में ये चीज लगा के भी देखा है और ट्राई करके भी देखा है, अगर आपका बॉडी बैंड है, अगर आप बिना सीधा किए, इसको सीधा किया जा सकता है, इसको खोल के सीधा किया जा सकता है, सीधा करके अगर कोई जो रिपेयरिंग वाला होता है, जो टेक्नीशियन होता है, अगर आपका कभी भी डिस्प्ले पीडीए टूटता है तो उसको जाके बोलो कि भाई मेरा बॉडी एकदम सीधा करो, नहीं होता है तो आप इस बॉडी को रिप्लेस करो। ज्यादा पैसा नहीं, 300 से 400 रुपया पड़ता है। कोई भी कंपनी का मोबाइल का बॉडी जो है 250, 300, 400 रुपया में हो जाता है, आप बॉडी चेंज करा लो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ओरिजिनल डिस्प्ले भी लगाते हो आपका टच जो है एकदम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ओरिजिनल भी अगर अपना डिस्प्ले अगर लगाते हो, डुप्लीकेट लगाते हो तो छोड़ दो, ओरिजिनल भी लगाते हो तो डिस्प्ले काम नहीं करेगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। आप डिस्प्ले के निकाल के रखोगे तो प्रॉपर काम करेगा, लगा दोगे इसमें ग्लू लगा के लगा दोगे तो एकदम काम नहीं करेगा। ऐसे मैंने बहुत सारा मोबाइल में ट्राई किया है। तो अगर आपका मोबाइल कभी भी बैंड हो जाता है, गिर जाता है और गिर के बैंड हो जाता है, बॉडी बैंड हो जाता है जैसे कि ये देख सकते हो बैंड है, तो आपको अच्छा से सीधा करके उसमें डिस्प्ले लगाना है या तो अपना बॉडी चेंज कर लेना है, नहीं तो आपका पैसा टोटली बर्बाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोग को समझ में नहीं आता है रिपेयरिंग वाला अपना पैसा के चलते, मतलब डिस्प्ले का पैसा लेगा बोल के आपको लगा के दे देता है, बाद में आपको पता चलता है कि आपका टच काम नहीं कर रहा है, मैंने तो ओरिजिनल डिस्प्ले लगाया था, क्या खराबी है, आपको समझ में नहीं आता है। तो ये चीज ध्यान देना। मैं मेरा चैनल में हर एक दिन ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूं जिसमें कि आपको फायदा हो, आप कुछ जान सको। तो अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।